नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों धनु राशि वालों, अगले 48 घंटों में किस्मत का घोड़ा अचानक से दौड़ पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, कहने का तात्पर्य है कि अगले 48 घंटों में आपकी तरक्की और आपकी कामयाबी को देखकर आपके दुश्मन की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, अब आपके भाग्य में जो नहीं लिखा है दोस्तों, अब आपको वह मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पूरे 99 सालों बाद आपके कुंडली में ऐसा महासंयोग का निर्माण हो रहा है जो कि दोस्तों आपकी किस्मत को अचानक से बदल देगी। जी हाँ दोस्तों, तो इस बार आप लोग को भी मजाक समझने की भूल मत करना, वरना जिंदगी भर पछताते रहोगे। क्योंकि दोस्तों ऐसा शुभ संयोग हर किसी के कुंडली में बार बार नहीं बनता है, और जिसके कुंडली में अगर एक बार बन जाता है तो दोस्तों यूँ समझ लीजिए कि उनकी पूरी जिंदगी को ही बदल कर रख देती है। जी दोस्तों, तो आप सभी को बता दें कि आपके कुंडली के नवम भाव में वैसे भी अपनी शुभ दृष्टि डालने वाली हैं, जिस कारण से आपकी कुंडली में कुछ ऐसा योग का निर्माण होने वाला है जिससे कि आपकी पूरी किस्मत को एक झटके में ही बदल कर रख देने वाली है, अर्थात किस्मत का घोड़ा अचानक से दौड़ पड़ेगा। जी दोस्तों, तो आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों आखिर चलिए जान लेते हैं कि अगले इन 48 घंटों के अंदर आपकी ज़िंदगी में क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं, आप लोगों को क्या क्या खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं, तो आपकी ज़िंदगी में इसमें क्या क्या अचानक से चमत्कार भी होने वाले हैं, और आपका ज़िंदगी इसमें किस तरह से बदलने वाला है। दोस्तों साथ ही यह समय आपको क्या क्या सावधानियाँ भी रखनी पड़ेगी, और कौन सी गलतियों को भी करने से बचना होगा जिनसे कि आपकी ज़िंदगी में किसी प्रकार की कोई समस्याओं का सामना आपको ना करना पड़े। साथ ही दोस्तों इन अगले 48 घंटों में आपका बिजनेस व्यापार कैसे रहेगा, आपकी नौकरी कैसे रहेंगी, आपका स्वास्थ्य कैसे रहेगा, आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, घर परिवार का माहौल कैसे रहेगा, और विद्यार्थियों के लिए समय कैसे रहेगा। दोस्तों सारी की सारी जानकारियाँ आप लोगों को हम देंगे विस्तार पूर्वक से, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों आइए बात करते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं, उससे पहले जो भक्त अपनी माँ से सच्चे प्रेम करते हैं इस वीडियो को अभी कभी अपने प्यारे हाथों से एक लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में माता रानी के केवल सच्चे भक्त जय माता रानी जरूर लिखें। दोस्तों माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बने रहेंगे, और आपके जीवन की सारी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी, और माता रानी के आशीर्वाद से आपके घर परिवार में हमेशा सुख शांति और खुशहाली बनी रहेगी। जी दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आने वाले इन 48 घंटों का समय आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी समय साबित होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यह समय माता रानी की कृपा से आपकी ज़िंदगी में अचानक से आपको जो खुशखबरियां प्राप्त होंगे, आपके किस्मत यह समय जिस तरह से बदलने वाली है दोस्तों, उसे देखकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी दोस्तों यह समय आपके कुंडली में इस योग के निर्माण से आपकी ज़िंदगी में अचानक से काफ़ी बड़ी परिवर्तन होने जा रहे हैं। दोस्तों आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि आप लोगों ने पूर्व में जो मेहनत और जो परिश्रम किए थे दोस्तों, वे सारी मेहनत और परिश्रम का फल अब आपको अगले इन 48 घंटों के अंदर प्राप्त होने वाले हैं। जी दोस्तों, और दोस्तों आप लोगों ने पिछले समय में जो भी अच्छे कर्म किए थे दोस्तों, वे सारे कर्मों का फल अब आपको प्राप्त होने वाला है। दोस्तों यूँ कहें तो अब आपकी ज़िंदगी एक झटके में बदलने वाली है। दोस्तों अब आपकी आँखों के सामने जो चमत्कार होंगे, आपकी ज़िंदगी में जो बदलाव होंगे दोस्तों, सच में देखकर आपके दुश्मनों की आँखें फटी की फटी रह जाएंगे। जी दोस्तों दुश्मन कभी नहीं सोच सकते होंगे कि आपकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह के बदलाव हो सकते हैं। जी दोस्तों, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। जी दोस्तों, तो ऐसे ही कुछ प्रकार की घटनाएं आपकी ज़िंदगी में इन अगले 24 घंटों के अंदर प्राप्त होने वाले हैं,
और दोस्तों सौभाग्य का भी पूरा साथ आपको इस समय मिलेगा, जिसकी मदद से आपके सारे अटके काम या समय पूरे होंगे और इस दौरान आप अपने पराक्रम और परिश्रम से बड़े बड़े टारगेट को भी हासिल करने में कामयाब रहेंगे। और दोस्तों कार्य क्षेत्र में सीनियर आपके काम की तारीफ भी करेंगे और उच्च पद या फिर कोई भी अहम जिम्मेदारी मिलने की भी संभावना यह समय बन रही है। और दोस्तों नौकरी पेशा जातकों की आय के अतिरिक्त स्रोत भी यह समय बनेंगे। हालांकि कामकाज की दृष्टि से यह समय आपको अचानक से आए किसी बड़ी समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन दोस्तों इस समस्याओं से निजात पाने के लिए आपके मित्रगण काफी मददगार भी साबित हो सकते हैं। यदि आप भूमि भवन या फिर वाहन खरीदने की सोच रहे थे तो यह कामना भी आपकी यह समय माता रानी की कृपा से पूरी हो सकती है और यह समय आपको कार्यों में धीमी गति से लेकिन प्रगति और लाभ जारी रहेगा। हालांकि व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस दौरान किसी भी जोखिम भरी योजना में निवेश करने से बचना होगा, अन्यथा आपको कुछ भारी नुकसान भी उठानी पड़ सकती है। और दोस्तों जो लोग साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं, दोस्तों उन्हें यह समय धन लेन के लेन देन में काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा कुछ बड़े धोखेबाजी भी इसमें हो सकती हैं। तो आप लोगों को इसमें थोड़ा सावधान और थोड़ा सतर्क रहने की काफ़ी आवश्यकताएं भी है। और दोस्तों यह समय आप अपनी बुद्धि एवं विवेक के जरिए उन सभी अड़चनों को दूर करने में कामयाब होंगे जो आपकी प्रगति में आड़े आ रहे थे। और यह समय स्वजनों के साथ गलतफहमियां दूर होंगी और यह समय परीक्षा प्रतियोगिताओं के तैयारी में जुटे छात्रों के लिए भी समय बहुत ही शुभ साबित होगा, क्योंकि उन्हें यह समय कुछ बड़ी सफलताएँ हाथ लगने वाली हैं। और दोस्तों इस दौरान की यात्रा करियर और कारोबार में विशेष सफलता दिलाने वाले भी साबित हो सकते हैं। और यह समय की मध्य में अचानक से आपके सामने कुछ बड़े खर्चे भी आ सकते हैं, तो आपको थोड़ा खर्चे में कंट्रोल करने की आवश्यकताएं भी होंगी, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही खर्चे होने की संभावना इसमें बन रही है। और दोस्तों यह समय आप लोग कार्य क्षेत्र में अपना काम किसी दूसरे के भरोसे में छोड़ने की भूल बिल्कुल भी मत करना, वरना आपको बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस बात को आप लोग इसमें जरा ध्यान में रखिएगा। और यह समय सेहत की दृष्टि से आप सभी के लिए समय अच्छा कहा जा सकता है और यह समय सेहत की दृष्टि से आप सभी के लिए जो समय रहेगा काफ़ी अच्छा रहेगा। यह समय आपको थोड़ा बाहर के खान पान में ध्यान देना होगा, क्योंकि बाहर के खान पान के चलते यह समय कुछ बड़ी पेट में समस्याएं पैदा हो सकती हैं और घर के सदस्यों के साथ किसी बात को लेकर यह समय मतभेद भी हो सकता है। हालांकि आपकी माँ का आशीर्वाद और समर्थन आपके साथ बना रहेगा, जिससे आपकी सारी परेशानियाँ भी दूर हो जाएंगी। और प्रेम संबंध की दृष्टि से यह समय आप सभी के लिए कुछ उतार एवं चढ़ाव के लिए रह सकता है। लव पार्टनर के साथ तकरार और मेल मिलाप का दौर भी यह समय चलता रहेगा और यह समय के अंत में आपके प्रेम संबंध को परिजन स्वीकार करते हुए हरी झंडी भी दिखा सकते हैं और दाम्पत्य जीवन आपको सुख में भी बना रहेगा और जीवनसाथी की सेहत को लेकर मन थोड़ा इसमें आपका चिंतित भी रह सकता है।